अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक लेस डिज़ाइन, जिसके लिए यहाँ पर मैंने ये सिल्क थ्रेड लिया है और इसको एम्ब्रॉयडरी का धागा भी कहते हैं, जो दो शेड में मैंने यहाँ पर लिया है। ये आपको लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएगा। 7 नंबर 0.95 mm की हमने नीडल ली है। जिनके एरिया में लोकल मार्केट में इस तरीके के थ्रेड्स नहीं मिलते हैं, वो लोग प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पर सिंगल कलर में आपको धागे देखने को मिल जाएंगे और इस तरीके के सिल्क थ्रेड भी है। लिंक, परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पर आपको नीडल्स भी मिल जाएगी, तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। सबसे पहले हमने स्लिप नॉट ले लेना है। यहाँ पर मैंने बेस लाइन रेडी कर ली है। बहुत सारी वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ बेस लाइन शेयर भी किया है और ईद सीरीज़ की अगर आप मेरी स्टार्ट की वीडियोस देखोगे तो वहाँ पर फुल डिटेल वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी बेस लाइन बनाना आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। टू चैन अटैच लेते हुए हमने ये बेस लाइन बनाई है। फ्रंट से हम फर्स्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, सिंगल क्रोशियो बना लेंगे, देन टू चैन लेंगे। टू चैन लेकर नीडल पर धागा फोल्ड करके इस गैप में जाएंगे, सेकेंड गैप में। फर्स्ट गैप छोड़ देंगे, सेकेंड गैप में हमें डबल क्रोशियो बनाना है, तो हम कंप्लीट डबल क्रोशियो नहीं बनाएंगे, दो धागों में से बाहर आएंगे और दो धागों को ऐसे ही रखना है। फिर नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे, गैप में जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे। चार धागे आपको दिख रहे हैं, दो धागों में से आपने सिंपली बाहर आना है और दो धागों को, एक धागे को ऐसे ही रखना है। सबसे मेन काम आप लोगों का कि ये फिंगर से आपने इन धागों को होल्ड करना है, तभी आपकी डिज़ाइन बहुत अच्छे से बन जाएंगी। इस फिंगर से ऐसे आपने होल्ड करके, अगेन यहाँ पर हमने ये दो बार किया है, टोटल हमें यहाँ पर 4 to 5 times आप लोग कर सकते हैं। 4 to 5 times इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि धागा अगर आपका जाड़ा है तो आप 4 times ही करना, और पतला धागा है तो आप 5 times इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस करके, एंड देन बेल नोटिफिकेशन आएगी, वहाँ पर आपने ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस तरीके से हमने 5 times यहाँ पर बना लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर होल्ड करना है, देन नीडल पर धागा फोल्ड करके सारे धागों में से आपने बाहर आ जाना है। देन यहाँ पर हम 1 chain लेंगे, तो ये यहाँ पर हमारी ये लीफ पैटर्न बन गया। अब हम लेंगे चैन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chain लेकर ये गैप में आप ले सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा बड़ा गैप बनाना है तो यहाँ पर हम 9 chain लेंगे, 7, 8 and 9। आप चाहे तो 10 chain भी ले सकते हैं, एक गैप छोड़कर सेकेंड गैप पर आपने सिंगल क्रोशियो बना लेना है इस तरीके से। ये कुछ डिज़ाइन हमारी ऐसी बनेगी। देन अगेन आपने 2 chain यहाँ पर लेना है और इस गैप में हम वो लीफ वाला पैटर्न स्टार्ट करेंगे। दो धागों में से बाहर आएंगे, दो धागों को होल्ड करेंगे, नीडल लेकर जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे। दो धागों में से ही नीडल बाहर लेनी है, बाकी के धागों को होल्ड करना है और ऐसे ही हम इसको कंटिन्यू फॉलो करेंगे। 3 times हो गया, ये 4 times एंड द लास्ट ये 5 times। अगर आप सिंपल सी डिज़ाइन बना रहे हैं ना, तो कभी भी दो धागों से, ये मल्टी कलर के धागों से बनाए तो उसका लुक बहुत प्यारा आता है। अब आपने नीडल पर धागा यहाँ पर होल्ड करना है लाजमी, यहाँ पर होल्ड करके नीडल पर धागा फोल्ड करके सारे धागों में से आपने बाहर आ जाना है। देन यहाँ हम सिंगल क्रोशियो बनाएंगे, देन यहाँ पर हम 8 chain लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से, सॉरी 9 chain लेकर एक गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप में आपने सिंगल क्रोशियो बना लेना है। अगर आपको लग रहा है कि ये गैप बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो आप और भी ज़्यादा दूर बना सकते हैं, लाइक जैसे 2 gap छोड़कर 3rd पर भी आप अटैच कर सकते हैं, बट इतना काफ़ी है। अब ऐसे ही हम कंटिन्यू फॉलो करेंगे, 2 chain लेंगे और जहाँ पर एंड करोगे वहीं से 2 chain लेना है और नेक्स्ट गैप से आपने ये लीफ पैटर्न बनाना स्टार्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5 और सारे धागों में से हम बाहर आ जाएंगे। देन यहाँ पर हम 1 chain लेंगे कर लॉक कर लेंगे, अगेन यहाँ पर हम 9 chain बनाएंगे,
इस लेस डिज़ाइन को आप बीड्स के साथ और भी ज़्यादा अच्छा लुक दे सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को इसमें बीड्स ऐड करना बताऊँगी। और ऐसे ही हम इसे कंटिन्यू फॉलो करेंगे, जितनी आपको लेंथ बनानी है आप ऐसे ही इसे बनाते जाओगे। अब मैं आपको इसकी एंड तक जितना मैंने यहाँ बेस लाइन बनाई है इस पर मैं ये डिज़ाइन कंप्लीट करके आपको उसका फाइनल लुक बताती हूँ। सो गाइज, ये है इसका फाइनल लुक। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। ईजी सी लेस डिज़ाइन, जो अक्सर रिक्वेस्ट आती है कि सिंपल सी लेस डिज़ाइन आप लोग शेयर करें। और साथ ही ये बताती चलूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और यूनिक लुक देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस धागे में जब चैन आप बनाओगे तो यहाँ पर आप एक एक बीड्स डाल सकते हैं। और अगर आपको नहीं जम रहा है तो सुई धागे की मदद से आप स्टिच भी कर सकते हैं। अगर बीड्स के साथ आप ये लेस डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ध्यान रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइज़।